डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो इस नेचर में सिमेट्री है, नेचर लाइक्स सिमेट्री, ठीक है। तो डी ब्रॉगली कहता है कि जैसे आप साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया आइंस्टाइन तक जितने भी सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए कि जो लाइट है उसकी दो नेचर है, वेव और पार्टिकल नेचर, एग्री सही है। वो कहते हैं काम करते हैं, मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करवाता हूँ, अब मन में सोचना कि इलेक्ट्रॉन नहीं है फोटोन है, तो सोचो लाइट की तरह काम कर रही है बीम। जैसे आप मुझे समझा रहे हो कि रेडिएशंस गिर रही हैं लाइट की, तो आप कहते हो कि लाइट की रेडिएशंस फोटोन्स की बनी हुई हैं मान लो, या वेव की बनी हुई हैं मान लो, तो कहते हैं फिर ऐसा भी मान लो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बीम गिरता हूँ, इलेक्ट्रॉन की बीम जब गिर रही होगी तो आप उसे पार्टिकल नेचर मान लो, उसकी वेव नेचर भी मान लो। और केमिस्ट्री में ये तो कहता था उसका हाइपोथेसिस क्या कि मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग मैटर कैन एक्ट लाइक वेव कैन एक्ट लाइक पार्टिकल, तो उसने यही लाइट की थ्योरी निकाली कि जब लाइट वाले ऐसे बोल रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन वाले भी ऐसे बोलेंगे और मूविंग मैटर सारा का सारा ऐसे एग्ज्यूम किया जा सकता है। तो डी ब्रॉगली 1924 के अंदर पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस क्या दैट मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन, मटीरियल पार्टिकल प्रोटोन न्यूट्रॉन कुछ भी, शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जैसे फोटोन मूव करते हैं और वो वेव और पार्टिकल है, ऐसी मटीरियल पार्टिकल्स भी दोनों नेचर उनको देनी चाहिए, प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं। हिज रीजनिंग वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वो कहता है मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट गवर्न द यूनिवर्स इज मास एंड एनर्जी, कह रहा है दो चीज़ें हैं मास और एनर्जी, और वो भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन की, मैं भी मास और एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो नेक्स्ट है वो कहता है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, देयर मस्ट बी ए सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, तो कह रहा है आइंस्टाइन ने ये तो बताया था कि कहीं ना कहीं सिमेट्री है इसमें मैटर में और रेडिएशन में, रेडिएशन का मतलब ईएम वेव्स या जो भी वेव्स हैं, और मैटर का मतलब है पार्टिकल, तो ऐसी मेरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ये सिमेट्री है। वो कहते हैं नेचर लव सिमेट्री सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, जैसे आपकी लाइट की रेडिएशन मूव करती हैं फोटोन्स की फॉर्म में, उसकी दो नेचर्स हैं, तो वो कहते हैं ठीक है फिर मेरी सिमेट्री भी लगाओ। तो डी ब्रॉगली का पार्टिकल मैटर कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन ऑल्सो पोजेस ड्यूअल नेचर, वो कहता है सिमेट्री है तो उसमें लगती है तो मेरे में भी लगेगी। आगे द वेव एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वेव की तरह मूव करेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं मैटर, या डी ब्रॉगली की वेव बोलते हैं अगर वो वेव की तरह काम करता है, और जो वेवलेंथ वो जनरेट करेंगे अगर वो वेव की तरह एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, राइट। तो डी ब्रॉगली की जो वेव इक्वेशन है, तो डी ब्रॉगली कहते हैं एक काम करते हैं, मैं ये मानता हूं कि मैंने लाइट से अपना आइडिया लिया है ना, डी ब्रॉगली ने लाइट से लिया आइडिया और उसको केमिस्ट्री पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया, तो कहते हैं ठीक है मैं पहले फोटोन पे थ्योरी बनाता हूँ, सिमिलर पैटर्न पे मैं इलेक्ट्रॉन पे भी बना दूंगा। तो कहते हैं चलो पहले लाइट को स्टडी करते हैं। तो डी ब्रॉगली कहते हैं मैंने ऐसा सोचा कि एक मान लो ईएम वेव मूव कर रही है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहते लाइट पे काम करता हूँ मैं भी, एक ईएम वेव मूव कर रही है और मान लो एक फोटोन मूव कर रहा है और जिसका मास एम है, वैसे फोटोन का मास लेते नहीं है, अरे मान लो एक फोटोन का मास एम है, तो अगर फोटोन का मास एम है तो फोटोन की एनर्जी क्या है एच न्यू, तो अगर फोटोन को पार्टिकल मान लिया जाए जिसका मास एम है तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन और ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहां से न्यू को क्या लिखेंगे, सी बाय लैम्डा, सी सी कैंसल, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा क्या है मास इनटू स्पीड, जिसको क्या बोलते हैं मोमेंटम, तो ये फोटोन का मोमेंटम निकाल दिया उसने कि जब भी कोई लाइट मूव करती है उसका फोटोन अगर हम कंसिडर करें तो उसका लैम्डा क्या होता है एच वाई पी, वेयर दिस पी इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये कहता है कि मैंने ये फोटोन पे लगाया, अब एक काम करते हैं, डी ब्रॉगली कहता है अब इसको मूविंग इलेक्ट्रॉन पर भी लगा लेते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन में कैसे, मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन्स, एज्यूम करो कि आपके पास फोटोन नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल है चलो जिसका मास एम और वेलोसिटी वी है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है फोटोन की जगह तो उसका लैम्डा क्या होगा एच बाई एम इंटू सी नहीं होगा वी होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा होगी वी होगी। तो कह रहे हैं कि जो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली कोई मैटर मूव करता है
उसकी वेवलेंथ एच बाई पी या एच बाई एम वी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली की इक्वेशन फॉर मटीरियल पार्टिकल। तो उसने ये कहा, कंक्लूजन है मेरे कि जो लैम्डा है मूविंग मैटर का या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होगा, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम या वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर रेस्ट पे है पी जीरो होगा तो लैम्डा इन्फिनिटी है। लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो अगर रेस्ट पे पार्टिकल है उसका लैम्डा डिफाइंड ही नहीं है, वो वेव की तरह काम कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज। वो कहता है कि कोई भी पार्टिकल मूव करवाते हैं तो उसको चार्ज होना जरूरी नहीं है। डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ई एम वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन मूव करता है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो भी वेव की तरह काम करता है, पर वो जो वेव बनेगी वो ई एम वेव नहीं होगी, क्योंकि ई एम वेव हमेशा एक्सेलरेटिंग पार्टिकल से ही जनरेट होती है। ठीक, ये उसके कंक्लूजन हैं और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ।